मेरे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की सांसद। आप लोग कैसे देख रहे हैं शरद पवार साहब और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ मंच पर नजर आएंगे? देखिए, उनको अपनी भूमिका स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि आज प्रोटोकॉल निभाने के चक्कर में जिस भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता की इतनी भूखी हो गई है, उन्होंने आपकी पार्टी के दो फाड़ कर दिया हूँ, तो उसका उनके साथ खड़े रहना क्या सही है क्या गलत है, वो उनका निर्णायक भूमिका है इसको लेकर, और उनको स्पष्ट भी करनी चाहिए। पर साथ ही साथ मेरा सवाल ज़्यादा प्रधानमंत्री जी को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी है, अजीत पवार पे आरोप लगा रहे थे, शरद पवार पे आरोप लगा रहे थे, सुप्रिया सूले पे आरोप लगा रहे थे, ये तक कहा था DNA ही करप्शन मॉडल का है। तो आज वो प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करप्शन की करते हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करेंगे? प्रधानमंत्री बता दें, या तो वो आरोप गलत, या आपने क्लियरली अपना जो करप्शन को लेकर बात है, एजेंडा है, वो बहुत दिनों पहले ही 2014 में जुमला साबित करके ख़त्म कर दिया है अडानी से लेकर NCP तक। मैम, लेकिन क्या पवार साहब का स्टेज शेयर करना अपोजिशन यूनिटी को, विपक्षी एकजुटता को कमज़ोर करता है? हमें अब कुछ कमज़ोर नहीं कर रहा है, जन हमें मजबूत कर रहे हैं, जनता हमें मजबूत कर रही है। हमने क्लियरली कहा है मन की बात बहुत हो गई है, अब जन की बात होगी, और हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे, हमारे अलायंस को स्ट्रेंथन करेगी देश की जनता, और वही सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका उन्हीं की होगी।